Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the second lecture of process costing. So yesterday we have seen the first lecture, which was an introductory lecture of process costing. So aaj hum process costing ke second lecture ko dekhne wale hai, lekin main sabhi students se ye request karna chahta hu ki jin logon ne abhi tak first lecture nahi dekha वो पहले फर्स्ट लेक्चर को देख के आए, बिकॉज जब तक आप फर्स्ट लेक्चर को सही तरीके से नहीं देखोगे, आपको ये सेकंड लेक्चर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस हो जाएंगे. सो वेलकम बैक एवरीवन. सो वी हैव स्टार्टेड अ क्रैश कोर्स ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग, एंड इस प्रोसेस कॉस्टिंग के क्रैश कोर्स का ये लेक्चर नंबर सेकेंड है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो कुछ हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कल डिस्कस किए थे. ये जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, ये हमने कल स्टार्ट किए थे, विच वॉज नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस. तो ये एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, जो भी ये पॉइंट्स थे वो हमने कल के कल डिस्कस किए थे. तो थोड़े से थ्योरेटिकल बेस मैंने यहाँ पे लाए हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. देखो, नॉर्मल लॉस के बारे में मैंने आपको कल बताया था. नॉर्मल लॉस ऐसे टाइप का लॉस होता है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है, एंड इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. ये हम अवॉइड नहीं कर सकते. ये नॉन कंट्रोलेबल लॉस होता है, जैसे कि लॉस बाय वेट, लॉस बाय स्क्रैप. देन हमने एबनॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा था. एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? जैसे कि ऐसा टाइप का लॉस जो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है, विच इज़ कॉज ड्यू टू दी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इन द फैक्ट्री, सच एज लेबर स्ट्राइक, ब्रेकडाउन, मशीनरी, पावर फेलियर. ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट हमने एबनॉर्मल गेन के बारे में पढ़ा था. मैंने एबनॉर्मल गेन का आपको एक डेफिनेशन या एक एग्जाम्पल के बेसिस पे भी आपको मैंने एबनॉर्मल गेन बताया था कि किस तरीके से एबनॉर्मल गेन वैल्यू किया जाता है. तो आज हम एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस, ये लेजर को कैसे बनाए, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ. तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है. तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट एबनॉर्मल लॉस. देखो, एबनॉर्मल लॉस एक ऐसे टाइप का अकाउंट है जिसमें आपको सॉल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेबिट साइड में क्या लिखना है. तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्रोसेस क्वांटिटी जो भी रहेगी आपकी, एंड रुपीस जो भी रहेगा वो हम यहाँ लिखेंगे. सिमिलरली बाय कैश और क्वांटिटी जो भी है वो लिखेंगे, रुपीस हम जो भी है वो लिखेंगे. फिर आपको टोटल करना है, क्वांटिटी आपका टैली हो जाएगा और आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस में हमेशा बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड में ही मिलेगा. सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कभी भी बैलेंसिंग फिगर आपको डेबिट साइड नहीं मिलेगा. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हमेशा बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट साइड में ही मिलेगा. तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी पॉइंट्स के ऊपर मैंने एक एग्जांपल लाया है. लास्ट में वो एग्जांपल भी मैं आपको करवाऊंगा, तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक देखते रहे. चलो स्टार्ट करते हैं. एबनॉर्मल लॉस तो हमने देख लिया. एबनॉर्मल लॉस में क्या बेस था कि एबनॉर्मल लॉस में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. तो सिमिलरली एबनॉर्मल गेन में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा हमारे डेबिट साइड. तो एबनॉर्मल गेन में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द डेबिट साइड. तो बाय प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में वैल्यू है, और डेबिट में हमें टू कैश नहीं लिखना है, टू नॉर्मल लॉस लिखना है. तो टू नॉर्मल लॉस लिख के जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो हम लोग लिखेंगे. फिर कॉस्टिंग पी एंड एल यूनिट्स हमेशा टैली हो जाएगा, एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपके रुपीज़ के कॉलम में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज टू कॉस्टिंग पी एंड एल. तो दो बातें हमने यहाँ पे सीख ली, एबनॉर्मल लॉस में बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड. एबनॉर्मल गेन में बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, डेबिट साइड. तो एबनॉर्मल गेन में द बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, सो बेसिकली इतना आपको याद रखना है वेल सॉल्विंग. नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, नॉर्मल लॉस. तो ये नॉर्मल लॉस एक ऐसे टाइप का अकाउंट है जो कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन में. यूजुअली इट इज़ नॉट आस्क इन द पेपर, दे आर गोइंग टू आस्क यू एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो नॉर्मल लॉस में
हमको क्या लिखना है, डेबिट साइड में टू प्रोसेस लिखना है। देखो हम प्रोसेस के क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल लॉस लिखते हैं, तो वो जितने भी प्रोसेस होंगे उनके सारे वैल्यूज यहाँ पे हमको लिखने हैं। फिर अब भी हमने एबनॉर्मल गेन देखा था, एबनॉर्मल गेन के डेबिट साइड में हमने लिखा था टू नॉर्मल लॉस, तो उसी का पोस्टिंग यहाँ पे है। पहले थियोरी समझ लेना, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लाया है, ध्यान से हम पूरा का पूरा प्रोसेस सॉल्व करने वाले हैं हमारे आगे के सेशंस में। तो दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, और ये सेकेंड वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वी विल बी डिस्कसिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस। तो इसके लेजर्स कैसे बनाए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लाया है, ये एग्जाम्पल बोल रहा है नॉर्मल लॉस ए का 100 यूनिट्स है और जिसका वैल्यू 1000 है। वैल्यू भी मैंने लाया ही है, स्क्रैप का रेट 10 है। अगर हम 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 1000। 190 का वैल्यू है 2660, 14 रुपीज़ स्क्रैप का रेट है। 190 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2660 आएगा। 252, 5040 स्क्रैप का रेट है 20। देखो ये नॉर्मल लॉस, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हर प्रोसेस के क्रेडिट साइड में वी आर पोस्टिंग नॉर्मल लॉस, राइट? एवरीबडी नोज दैट। नॉर्मल लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमने प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा होगा? बाय नॉर्मल लॉस, यही वैल्यूज लिखे होंगे, वही वैल्यू मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, ताकि हमको सिर्फ एबनॉर्मल लॉस गेन और नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाए। देखो एबनॉर्मल लॉस ये कैलकुलेट करके ही मैंने आपको दिया है। एबनॉर्मल लॉस ए प्रोसेस में नील है, बी प्रोसेस में 30 यूनिट्स का है और 46 पर यूनिट ये उसका सीपीयू है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस सी 42 यूनिट्स, 81 पर यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस ए में नहीं है, बी में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कल कि एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड। कहाँ पे? क्रेडिट साइड, प्रोसेस के क्रेडिट साइड। और एबनॉर्मल गेन कहाँ पे आता है? डेबिट साइड। किसके डेबिट साइड? प्रोसेस के डेबिट साइड में। तो दिस इज द बेस। अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड कि कौन सा पोस्टिंग कहाँ जाता है, तो आपको फिर कन्फ्यूजन होते रहेगा। सो ये आपका क्वेश्चन है। नॉर्मल लॉस की वैल्यूज भी मैंने आपको दिए हैं, एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूज भी मैंने आपको दिए हैं और एबनॉर्मल गेन भी मैंने आपको दिया है। सो अभी इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स ऑलरेडी लिखे हैं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट अभी कैसे पोस्ट करना है? देखो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बी में 30 यूनिट्स एट द रेट 46, ठीक है? मैंने नीचे सारा लिखा है एबनॉर्मल लॉस। तो ये एबनॉर्मल लॉस कितना था? बी में कितने यूनिट्स थे? 30 यूनिट्स एट द रेट रुपीस 46। सो प्रोसेस में अगर हम जाए तो प्रोसेस में मैंने देखो क्या लिखा है। एबनॉर्मल लॉस कहाँ लिखते थे हम लोग? तो मैंने आपको पहले भी बताया था एबनॉर्मल लॉस हमेशा प्रोसेस के क्रेडिट साइड में आता है। तो प्रोसेस के क्रेडिट साइड, जिनको लेजर पोस्टिंग में कन्फ्यूजन होता है, अगर हम प्रोसेस के क्रेडिट साइड लिखेंगे तो एबनॉर्मल लॉस के कहाँ लिखेंगे? दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू प्रोसेस बी। देखो कितने यूनिट्स थे? 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स मैंने क्वांटिटी में लिखे। क्या रेट था हमारा? 30 यूनिट्स का रेट क्या था? 46। तो 30 को हमने 46 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया 1380। ये पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है एबनॉर्मल लॉस जो आपके क्वेश्चन का है वही हमने यहाँ पे पोस्ट कर लिया। इसके बाद तुरंत आपको क्रेडिट साइड लिखना है बाय कैश। अब ये बाय कैश लिखते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, यूनिट्स क्या करना है हमको? यूनिट सेम लिखना है, यूनिट्स हमें सेम लिखना है, यूनिट सेम लिखना है। लेकिन ये जो यूनिट सेम लिखने के बाद ये यूनिट्स को हमें 46 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें स्क्रैप के रेट से मल्टीप्लाई करना है। अभी स्क्रैप का रेट ये 14 रुपीज़ कहाँ पे देखते हैं? देखो स्क्रैप का रेट बी में एबनॉर्मल लॉस था तो बी में था दिया हुआ 14 रुपीज़। तो बी का 14 रुपीज़ ही मैंने यहाँ पे लिया है। सो 14 रुपीज़ यहाँ पे लिया गया है 14। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 14 करें तो वैल्यू आएगा 420। तो आपको याद रखना है डेबिट साइड हमको हमारे सीपीयू से वैल्यू करना है, क्रेडिट साइड हमको स्क्रैप के रेट से वैल्यू करना है। देन अगर आप इस टोटल को लेंगे, ये टोटल अगर आपने ले लिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था बैलेंसिंग फिगर हमेशा आपको रुपीज़ में मिलेगा, यूनिट्स में नहीं मिलेगा। और एबनॉर्मल लॉस में हमेशा बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज
balancing figure. So balancing figure will be on the credit side, that will be 960 rupees. 1380 में से अगर आप 420 को माइनस करें तो आपको 960 का बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. दिस 960 विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. ओके, दिस इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. अभी एबनॉर्मल गेन के बारे में बात करते हैं. देखो एबनॉर्मल गेन, मैंने आपको क्या बताया था, एबनॉर्मल गेन हमेशा डेबिट साइड में आता है. किसके डेबिट साइड में? प्रोसेस के डेबिट साइड में. तो आपने प्रोसेस में ऑलरेडी लिखा होगा टू एबनॉर्मल गेन. मैंने यहाँ पे एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आपको दी है. देखो एबनॉर्मल गेन है 42, रेट है 81. तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 42 और 81. ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन कितना है? 42 एट द रेट 81. तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में जाना है, बाय प्रोसेस अकाउंट लिखना है एट द रेट 81. तो 42 को हमने अगर 81 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 3402. देखो बाय प्रोसेस लिखने के बाद इधर तुरंत हमको टू कैश नहीं लिखना है, यही इंपॉर्टेंट है. यहाँ लिखना है टू नॉर्मल लॉस. सिर्फ नाम चेंज है लेकिन करना वही है जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस में किया था बाय कैश, वैसे ही यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे डेबिट साइड आएगा टू नॉर्मल लॉस. 42 जो है, 42 ये 42 का 42 मैंने यहाँ पे सेम लिखा है, पर एट द रेट मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा रेट हम लेंगे, स्क्रैप का रेट हम लेंगे. तो चेक करते हैं स्क्रैप का रेट कितना है, स्क्रैप का रेट कितना है थर्ड प्रोसेस में. तो थर्ड प्रोसेस में स्क्रैप का रेट है 20. तो थर्ड प्रोसेस में स्क्रैप का रेट 20 है. 20 रुपीज़ वी विल बी कंसिडरिंग ओवर हियर. तो देखो मैंने कंसिडर किया है स्क्रैप का रेट, यहाँ पे लिखा है मैंने 20 रुपीज़. तो 42 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 840 का वैल्यू मिलेगा. और 3402 ये आपका टोटल है. इस 3402 से अगर हम 840 को माइनस कर दे तो 2562 हमारा बैलेंसिंग फिगर मिलेगा. दैट विल बी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल गेन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हमेशा डेबिट साइड आता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्रेडिट साइड आता है. तो दैट वॉज द एबनॉर्मल लॉस गेन. होप आपका कंसेप्ट इसमें से क्लियर हुआ रहेगा. तो कंसेप्ट को ध्यान से देखें, अगर नहीं हुआ है तो और एक बार वीडियो को स्टॉप करके देखें ताकि आपको समझ में आ जाए. अब हम बात करते हैं नॉर्मल लॉस के बारे में. देखो नॉर्मल लॉस में एक कंसेप्ट है, नॉर्मल लॉस का बेस ये है कि नॉर्मल लॉस आपका लास्ट में टैली होना चाहिए. ये बेस, नॉर्मल लॉस अगर लास्ट में टैली होता है तो आपकी सारे की सारी पोस्टिंग राइट है. अभी कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. देखो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल में लिया था, ए 100 यूनिट्स, 1000, 190 यूनिट्स, 2660, 252 यूनिट्स, 5040, इसी अमाउंट को हमको डेबिट साइड कॉपी करना है. तो लेट अस चेक दिस अमाउंट. तो देखो प्रोसेस ए 100 यूनिट्स, 1000, 190 यूनिट्स, 2660 और 252 यूनिट्स, 5040. ओके, उसके बाद सबसे पहला पोस्टिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जिस किसी प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन होगा. देखो हमारे प्रोसेस नंबर थर्ड में एबनॉर्मल गेन था, तो हमने एबनॉर्मल गेन के डेबिट में क्या लिखा था, टू नॉर्मल लॉस लिखा था. 42 यूनिट्स 20 रुपीज के रेट से वैल्यू करके 840 आया था. तो इसका पोस्टिंग टू नॉर्मल लॉस लिखा है, इसलिए इसका पोस्टिंग देखो क्रेडिट साइड, पहले बाय एबनॉर्मल गेन 42 और 840. ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने कहाँ से लाई है, दिस वैल्यू इज फ्रॉम एबनॉर्मल गेन अकाउंट. तो एबनॉर्मल गेन का पोस्टिंग आपको पहले कर देना है. उसके बाद देखो बहुत सिंपल है, कैसे टैली करना है. अभी सबसे पहले बाय कैश लिखना है. बाय कैश में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड से मैं कॉपी करने वाला हूँ प्रोसेस ए. तो अभी मैं प्रोसेस ए, क्वेश्चन आपको खुद को पूछना है, प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस था कि गेन था? तो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस भी नहीं था, गेन भी नहीं था. तो क्या करना है आपको, यही वैल्यू जो यहाँ की वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पे कॉपी करनी है. दैट इज 100 यूनिट्स 1000. ओके, दिस इज सिमिलर. प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं था, एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं होगा, सेम वैल्यू कॉपी करनी है. सेकेंड प्रोसेस बी में जाते हैं. प्रोसेस बी में क्या था, एबनॉर्मल लॉस था. एबनॉर्मल लॉस था तो भी आपको क्या करना है, सेम वैल्यू कॉपी करनी है. 190 का 190 मैंने लिखा है, 2660 का 2660 मैंने लिखा है. अब आया सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस सी में क्या था, एबनॉर्मल गेन था. तो अभी याद रखना है, व्हेनेवर देयर इज एबनॉर्मल गेन
हम सेम वैल्यू कॉपी नहीं करेंगे। आई रिपीट अगेन, वेन एवर देर इज एबनॉर्मल गेन, हम नॉर्मल लॉस बनाते वक्त सेम वैल्यू कॉपी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन का यूनिट्स माइनस करके लिखेंगे। देखो यहाँ पे 252 है, यहाँ पे आपने एबनॉर्मल गेन ऑलरेडी लिखा है 42, तो आपने अब क्या करना है, 252 में से 42 को माइनस करना है। 252 माइनस 42 दैट इज 210। और ये जो रेट मैंने यहाँ पे लिया है, दिस इज रेट ऑफ स्क्रैप, तो ये स्क्रैप का रेट लेना है, प्रोसेस सी का। प्रोसेस सी का क्यों लिया, क्योंकि लिए प्रोसेस सी में एबनॉर्मल गेन था। तो 210 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 4200। फिर आप इनको टैली करके देखना, आपका नॉर्मल लॉस टैली हो जाएगा। दिस इज द बेस। तो दैट वॉज द एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस, हाउ टू प्रिपेयर। आई हैव क्लियरली मैंशनड ओवर हियर कि किस तरीके से हम एबनॉर्मल लॉस गेन को सॉल्व करें। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और इस बेसिस पे आप प्रिपेयर करके देखना। तो इसका जो PDF है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको ये PDF मिल सके और इससे आप अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सेकेंड लेक्चर है वो भी रिवाइज कर सके। तो वीडियो कैसे लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करके क्लिक ऑल नोटिफिकेशंस कर ले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग कि उनको नोटिफिकेशंस प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। तो नोटिफिकेशंस के लिए ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करने ना भूले। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।